ये जो यात्रा में आप आनंद लेंगे, नाच गाने का आनंद लेंगे, ये क्षणिक है, ये बहुत दिन तक टिका रहने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने वास्तविकता को समझ लिया कि अमरनाथ जी का वास्तविक अर्थ क्या है, मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ आपका पूरा जीवन आनंद में ना बीत जाए तो कहना परमात्मा यहाँ निराकार से साकार होकर आपको दर्शन देता है। निराकार से साकार होकर के आपको बोलो दर्शन देता है। अब समझिए अमरनाथ जी का मतलब क्या है। ये कथाएं आमतौर पे आप लोगों को पता नहीं होता है। आप लोग 2 रुपए की पुस्तक में या कैसेट में जो सुन लेते हो आपको लगता है कि वही सत्य है। भगवान शंकर के पास में 8 नाग रहते हैं। कितने नाग? 8। अष्टकुल नागेभ्यो नमः, हमारे यहाँ वेद में मंत्र आता है, नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केचा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये पृथिव्याम तेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। 8 कुल हैं। आप अमरनाथ जी के इर्द गिर्द ध्यान से अगर यहाँ क्या भूगोलिक परिवेश देखेंगे, यहाँ भी 8 नाग बसते हैं। कितने नाग? शेष नाग, अनंत नाग और रस्ते में कितने आए थे? 8 के 8 नागों के नाम से यहाँ शहर बसे हुए हैं। अगर आप गहराई से चिंतन करें, भगवान शंकर के विराजमान होने की ये जगह है। एक बात मैं आपको बताऊं आगे बढ़ने से पहले, भगवान न करे किसी के घर में आग लग जाए या चोर आ जाए, आग लग जाए या ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना, पहले पड़ोसी काम में आएंगे कि रिश्तेदार? बोलो। लेकिन किनके पड़ोसी काम आएंगे? जिनकी पड़ोसियों से बनती होगी, जिनकी पड़ोसियों से। घर में आग लग जाए, चोर आ जाए, पहले रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। पहले कौन काम आएगा? रिश्तेदारों को फोन करोगे, चिट्ठी डालोगे, तब आएंगे। और पड़ोसियों को दिख गया कि कुछ गड़बड़ है, आवाज सुनते ही अपने आप निकल करके उनको बुलाना भी। अब समझना जरा बात। 3 देवता बड़े प्रसिद्ध हैं अपने हिंदू धर्म में, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और पंडित जी बैठे हैं विद्वान। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी कहाँ रहते? अरे बोलो ना। और विष्णु जी कहाँ रहते हैं? बैकुंठ लोक में। विष्णु जी कहाँ रहते? ना तो तुमने बैकुंठ लोक देखा और ना तुमने ब्रह्मलोक देखा। और शंकर जी कहाँ रहते हैं? बोलो तो कैलाश पर्वत कहाँ है? धरती पर, अपने भारत के पास में, पड़ोस में। तो शंकर जी अपने पड़ोसी हो गए कि नहीं हो गए? तो पहले काम कौन आएगा? अरे बोलो। और ध्यान देना, शंकर जी की पूजा इस जगत में सबसे आसान। ना तो इनको मक्खन चाहिए, ना इनको मिश्री चाहिए, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि जो तुम्हारे काम नहीं आता वो हमको दे दो, जो तुम्हारे काम नहीं आता वो। शंकर जी के मंदिर जाते हो कभी? हाथ खड़े करो तो कौन कौन जाते हैं? अगली बार जब जाओ तो ध्यान देना, शंकर जी की पूजा कितनी आसान है। लोटा भी मंदिर का और पानी भी मंदिर का, लोटा भी मंदिर का और पानी भी, हो गए बाबा जी प्रसन्न। इससे आसान कोई पूजा होगी? ध्यान देना, जिस भी देवता का दर्शन तुमको करना हो गर्दन उठा के करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सीताराम जी के मंदिर में जाओ, ऊपर देखना पड़ेगा। राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, कैसे देखना पड़ेगा? लेकिन शंकर जी की पूजा जब भी करोगे, लोटा पानी का लोगे, गर्दन झुका करके करोगे, शंकर जी तुमको झुकना सिखाते हैं, शंकर जी तुमको विनम्रता सिखाते हैं। ये शंकर जी का।